नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। अभी हम कलेक्ट्रिएट घाट पर हैं। कलेक्ट्रिएट घाट के सामने जो है गंगा किनारे पर बना हुआ है गंगा रिसर्च सेंटर। गंगा रिसर्च सेंटर में आए हुए हैं और यहाँ पर एक उमेश जी हैं। उमेश जी से हम जानना चाहेंगे कि ये जो गंगा रिसर्च सेंटर बना हुआ है, गंगा संग्रहालय बना हुआ है, तो ये लोगों को कब तक उपलब्ध हो पाएगा? देखिए, ऐसी कोई संभावना अभी हमें ज्ञात नहीं है। कुछ दिनों के बाद ऐसा जो है कि संभावना बन रहा है कि एकाध महीना के अंदर ओपनिंग होने की संभावना है, लेकिन ऐसा कोई सुनिश्चित डेट आया नहीं है अभी तक कि बता दिया जाए कि इस डेट में ओपनिंग हो जाएगा, तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, अगर जनता यहाँ आएगी, लोग घूमने के लिए आएंगे, तो यहाँ पर लोगों को क्या क्या चीज़ देखने के लिए मिलेगा? एक गंगा संग्रहालय है, ठीक है, और इसमें जो गंगा जी का इतिहास है उनके बारे में बताया जाएगा कि गंगा कहाँ से निकलती हैं, किन किन मतलब क्या कहते हैं रूट से बहती है और वो कहाँ जाकर वो गिरती है, ठीक है, तो यही चीज़ के बारे में शुरू से अंत तक बतलाए जाएंगे। अच्छा, ये कुछ स्टैचू भी बना हुआ है, तो ये सब क्या है? ये जो है डॉल्फिन है जो गंगा में पाए जाते हैं, ठीक है, वो घड़ियाल है, ये भी गंगा में पाए जाते हैं। ये घड़ियाल है? ये घड़ियाल है। तो इस तरह के कितने चित्र जो है यहाँ पर हैं लोगों के लिए? महत्वपूर्ण दो ये इस तरह का बना हुआ है, ठीक है, बाकी फोटो के और सीन के माध्यम से बना हुआ है। जैसे उधर देख लीजिए, ये जो देख रहे हैं ना, लिख कर फोटो के द्वारा इस टाइप का जो है कि हाइवा टाइप का है वो इस टाइप का बना हुआ है। तो ये गंगा का जो है चित्र, हाँ, ग्रंथों में मेना को गंगा की माँ तथा हिम्बत को पिता माना गया है। जी जी जी, इस तरह से गंगा का इतिहास जो है यहाँ पर उकेरा गया है। जी जी। और फिर ये एक क्या है? ये महाबलीपुरम है, गंगा अवतरण, जहाँ से गंगा जो है कि अवतरित होती है, ठीक है ना, तो यहाँ का जो है कि दृश्य जो है कि दिखाया जा रहा है। तो ये सब जो है आप ही के देख रेख में ये बना हुआ है? जी। और कितने दिन लगे हैं इसको बनाने में? ये पूरा कम्प्लीटली लगभग पौने दो महीना लगा। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पर इसके अलावा और कोई सुविधा देखने के लिए कुछ म्यूजियम टाइप का जहाँ पर? हाँ है। किस जगह है वो? ये क्या है, ये जो चित्र बना हुआ है? ये बेसनगर विदिशा मध्य प्रदेश मंदिर के द्वार पर उत्कीर्ण गंगा अपने वाहन मकर पर अरुण लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी। इस तरह के चित्र यहाँ पर उकेरे गए। अच्छा, ये संग्रहालय हॉल ए, ये क्या है? मतलब इस तरह का जो है कि ए बी सी करके लगभग तीन है, एक इधर है, एक ठीक ऊपर है और एक फिर उधर है, चार है, एक बना हुआ है, ये क्या है? ये जो है ना बना हुआ पटना रिवर फ्रंट का लघु मॉडल है, ठीक है, और ये 18 घाट यहाँ से लेकर कलेक्ट्रेट से लेकर राजा घाट तक जो है एक लघु मॉडल यहाँ तैयार करके जनता के लिए रखा गया है। अच्छा, लघु मॉडल, तो हम लोग अभी कहाँ पर खड़े हैं? हम लोग अभी कलेक्ट्रेट घाट, हम जिस बिल्डिंग में खड़े हैं ये बिल्डिंग का जो है आकृति है, ठीक है, ये आप जिस सीढ़ी से आए हैं वो सीढ़ी है, ठीक है, और सीढ़ी से होते हुए आप भवन में आए हैं, फिर उसके बाद अंटा घाट है, ये अंटा घाट का हूबहू आकृति है, फिर उसके बाद बीएन कॉलेज घाट है, फिर उसके बाद महेंद्रू घाट है, महेंद्रू घाट के बाद फिर अदालत घाट है, फिर अदालत घाट के बाद आपको मिश्री घाट है, मिश्री घाट के बाद टीएन बनर्जी घाट है, फिर उसके बाद काली घाट है, फिर उसके बाद पटना कॉलेज घाट है, फिर उसके बाद कृष्णा घाट है, फिर उसके बाद गांधी घाट, ठीक, आप देख रहे हैं ना, वैसा ही एक बिल्डिंग वहाँ भी है बरहरवा घाट, गांधी घाट के ठीक बाद, ठीक है, तो ये बरहरवा घाट है, वहाँ भी एक भवन का निर्माण किया गया है, और ये जो है लॉ कॉलेज घाट है, लॉ कॉलेज के बाद जो है कि रानी घाट है, ठीक है, रानी घाट के बाद गुलबी घाट है, गुलबी घाट के बाद घग्घा घाट है, घग्घा घाट के बाद रोशन घाट है, फिर चौधरी घाट, फिर चौधरी घाट, पपरी घाट है, पथरी घाट है, और जो है कि आपको कदम आलमगंज है, फिर उसके बाद लोहरवा घाट है,
फिर उसके बाद क्या है, हनुमान घाट है, उसके बाद में राजा, उसके बाद राजा घाट जो अंतिम 18वां घाट है, राजा घाट आपको गाय घाट के समीप है। मतलब ये पूरा जो है हम लोग पटना गंगा घाट का मिनी मॉडल अगर लोग यहाँ पर आएंगे तो उनको पता चलेगा कि पटना में कितने घाट हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है ये क्या पता चल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ को देखने के बाद वो व्यक्ति अगर मान ले पटना नए पहली बार आए होंगे तो उन्हें मालूम हो सकता है कि यहाँ से लेकर राजा घाट तक का जो मतलब आकृति बना हुआ है इस घाट के किनारे, तो इसे देखकर वो समझ जाएंगे कि कितनी खूबसूरत है, कितना खूबसूरत, मतलब पूरी खूबसूरती को यहाँ पर उकेरा गया है इस गंगा रिसर्च सेंटर में। तो इसके अलावा भी और कुछ यहाँ देखने के लिए है? और जैसे ये जो है ना, जैसे आप करमली चक में एक ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ, जैसे फिल्टर करने का काम होता है पानी को, जैसे मान ले पटना में जो नाला का पानी जो जाता है नदी में, ठीक है, तो उसके लिए जो है एक ड्रेनेज सिस्टम जो जिसके पानी जो है कि फिल्टर होता है और फिल्टर होकर उसे नदी में प्रवाहित किया जाता है। अभी बिहार के पूरे इतिहास को भी यहाँ पर उकेरा गया है, यहाँ पर जितने भी स्थान हैं, प्रमुख स्थान हैं बिहार में, जैसे आप इधर देख लेंगे ये भारत का कुछ पार्ट है, हरिद्वार का, फिर गंगा दशरथ का, फिर बिहार की बात करें तो बिहार का जो कुछ पार्ट है, जैसे जो धरोहर है आप फरक्का को देख सकते हैं, फरक्का ब्रिज, मुंगेर का जो किला है वो आप देख सकते हैं, और फिर आप गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ का कुछ चित्रण किया गया है, इसके साथ भागलपुर, बाढ़, फिर सोनपुर का जो मेला जो कि विश्व प्रसिद्ध है उसका भी कुछ पार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। पढ़ने का एरिया है और यहाँ पर जो है कि गंगा से संबंधित पुस्तकें रहेगी, और आप यहाँ आइए और आकर जो है कि कुर्सी लगी हुई, टेबल लगे हुए और रोशनी की भी अच्छी व्यवस्था है, बैठकर आप आराम से पढ़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कितनी किताबें रखी जा सकती है पूरा लगभग? अब देखिए ना, ये सारे जो है कि आप जितने देख रहे हैं उन सारे में जो है किताब भरे रहेंगे। एक टीवी लगी हुई है जो 75 इंच का है। अच्छा, ये हाँ, ऑडियो विजुअल के माध्यम से जो है आपको यहाँ पर बताए जाएंगे गंगा का इतिहास से संबंधित। अच्छा जी, यहाँ पर कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था? लगभग 25-30 लोग बैठ सकते हैं। आप गंगा संग्रहालय को आप देख रहे थे, यहाँ की कैसी खूबसूरती है। हमारे साथ उमेश जी हैं जो कि यहाँ पर सभी प्रकार के देखरेख का काम और यहाँ का जो पूरा कंस्ट्रक्शन है वो उमेश जी के ही देखरेख में हुआ है, और कितना खूबसूरत है वो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। यदि आप हमारे इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, और यदि आपने हमारे डिजिटल न्यूज़ 20 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।